कुछ दिन पहले मुझे कुछ स्टूडेंट मिले जो किसी महाराष्ट्र के इंटर एरियाज थे, शायद लातूर एक जगह है और एक जगह कोल्हापुर है, वहां के कुछ स्टूडेंट थे जो किसी काम से मुंबई आए हुए थे और वो मुझे एक बुक शॉप में मिले। हमारे साउथ मुंबई में एक बुक शॉप है क्रॉसवर्ड, वहाँ पर मेरे वो मुझे पहचाने और उन्होंने जो है अपने अपने बारे में बताया। तीन चार स्टूडेंट थे और उन्होंने एक बात कही मुझसे और जिस बात को सुनने के बाद मैं दो मिनट तक सोचता रहा और मैंने उनको समझाया कि जो वो कह रहे हैं उसमें पूरी सच्चाई नहीं है। दरअसल वो बात क्या थी, वो मुझसे बोले कि सर हम लोग जो है मुंबई आते हैं तो हमको बड़ा आश्चर्य होता है, देख के लगता है हमें कि इतना बड़ा शहर, इतना सब कुछ यहाँ पर है, हम तो छोटे से टाउन के अंदर रहते हैं, हम कोल्हापुर के अंदर रहते हैं, लातूर के अंदर रहते हैं, छोटे छोटे जिले हैं, छोटी छोटी जगह वहाँ रहते हैं, तो हमारा तो एक्सपोजर ही इतना अधिक नहीं है, क्या हम जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे, क्या हम छोटे शहर के लोग, छोटे शहर के बच्चे छोटे ही बनकर रह जाएंगे। मैंने कहा नहीं बेटा, तुम जो है वो ये तुम जो कह रहे हो इस बात में पूरी तरीके से सच्चाई नहीं है, मतलब मैं तो कहता हूं इस बात में कोई सच्चाई है ही नहीं है, पूरी भी क्यों बोलूं, बैठके मैं बोलूंगा कोई सच्चाई नहीं, क्योंकि व्यक्ति कौन कितना बड़ा बनेगा छोटा बनेगा ये व्यक्ति की पर्सनल कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है, आप किस शहर से आते हैं उससे इतना फर्क नहीं पड़ता है। के दिल्ली का आया आदमी जो है बॉम्बे में आके शाहरुख खान बन जाता है, कोई जो है बरेली से आके प्रियंका चोपड़ा बन जाती है, यानी अलग अलग शहरों से आए हुए लोग जो है वो सेलिब्रिटी बन जाते हैं। देखिए आप कि महेंद्र सिंह धोनी जो है रांची से आते हैं और जो है इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन बनते हैं, यानी ये मैं आपको बता रहा हूँ उन लोगों के नाम जिन लोगों को हम जानते हैं, इनके ऐसे कई लोग हैं जिनको हम नहीं जानते हैं, वो भी छोटे शहर से आए हैं और बड़े शहर में आकर वो अंबानी भी बन गए। ऐसे भी लोग हैं कि भाई अंबानी धीरूभाई अंबानी भी लोग गुजरात से निकल के बाहर आए थे, बॉम्बे आए थे। तो असल छोटे शहर जो है वो इस बात का बिल्कुल भी प्रतीक नहीं है कि व्यक्ति जो है वो आगे लाइफ में ग्रो नहीं कर सकता है, बल्कि एक बड़ी मजेदार बात जो है जो मैंने उनसे शेयर की कि मैंने उनको बताया कि बेटा जब मैंने MBA किया, यानी मैंने एक जमाने में मैंने MBA भी किया हुआ, क्योंकि लोग बाग बड़ा बोलते थे IIM ये MBA वो MBA, तो मुझे इस दिन लगा कि चलो एक काम करते हैं, अभी अपना बाकी मेडिकल का पढ़ाई तो हो गया है, अब ये भी करके देख सकते हैं MBA, और मुझे समझ में आया कि MBA इज ऑल अबाउट जनरल अवेयरनेस अबाउट सराउंडिंग, कि आपके आसपास क्या हो रहा है, आपके आसपास का मार्केट किस तरह का है, वो MBA होता है। ठीक है, MBA में आप जो है वो MD के समान कोई महान चीज नहीं सीखते हैं, आपके MD करेंगे DM करेंगे आपको लगेगा कि आप प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, अभी तक आप सीखे ही नहीं है। ठीक है, ये फर्क है, एक डॉक्टर हमेशा सीखता रहता है, बोलता है मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, ठीक है, और जो दूसरे जो लोग होते हैं बोलते हैं हम तो एक्सपर्ट हैं, लुकते हैं हम एक्सपर्ट हैं, के तो एक्सपर्ट कभी नहीं होता व्यक्ति के। तो अभी चलिए मुद्दे पर लौट के आते हैं, बात यह है कि मैंने उनको बताया कि बेटा आप सबने सुना होगा 26/11 के बारे में, हम सब जानते हैं कि हमारे देश में एक बड़ा हमला हुआ और जो है होटल ताज पर जो है वो अटैक हुआ, और होटल ताज के अटैक को हम सबने जो है टीवी पर लाइव भी देखा हुआ है, और बकायदा जो है हम जानते हैं कि वो अब तक जैसे जो अमेरिका में जो हुआ था के उसके बाद जो है इंग्लैंड जो इंडिया में जो हम हमला हुआ वो बड़े हमले में से एक है। के तो हमने देखा 26/11 के हमले में जो है होटल ताज के अंदर जो है जो कोलाबा में मुंबई की शान है, बड़ा सा आलीशान होटल है, दुनिया भर के तमाम टूरिस्ट वहां के रुकते हैं, उस होटल ताज पर जब अटैक किया गया तो आपको पता है उस होटल ताज के अटैक के ऊपर जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक केस स्टडी हुआ। जो लोग हार्वर्ड से MBA करते हैं वो उस केस स्टडी को पढ़ते हैं, जब मैं MBA कर रहा था तब मैंने भी उस केस स्टडी को पढ़ा हुआ है। तो उस केस स्टडी में क्या लिखा था, उन्होंने लिखा था कि ऐसा क्या है ताज के अंदर कि ताज पर जब हमला हुआ तो ताज के जितने भी स्टाफ काम करने वाले एम्प्लॉय थे, इतने लोग थे, वे सभी लोग अपनी जान की परवाह नहीं किए, उन्होंने अपने सारे जितने भी गेस्ट थे उनको सुरक्षित बचाने का प्रबंध किया। वे चाहते तो हमला होने के साथ उनको मालूम थे कि होटल के दरवाजे कहां कहां खुलते हैं, कहां से वो बाहर निकल सकते हैं, हमले की शुरुआत होते साथ ही सबसे पहले होटल का स्टाफ चाहता तो बाहर निकल जाता, भाग जाता, टूरिस्ट अपनी जाने, भाई जान बचानी है ना वो तो। लेकिन तो होटल ताज का स्टाफ जो है वो होटल में डटा रहा, के जितने टूरिस्ट थे, ऐसा कहा जाता है कि होटल ताज जो है उसके स्टाफ ने जो है वो कई सारे टूरिस्ट की जान को बचाया, कई सारे जो लोग होटल में स्टे, कई सारे गेस्ट जो होटल के अंदर रुके हुए थे उनकी जान को बचाया उन्होंने, और उन्होंने उनको पैनिक नहीं होने दिया, और उन्होंने जो है वो इस प्रकार से पूरा अरेंजमेंट किया, इस प्रकार से जो है वो कोऑर्डिनेट किया कि जो आतंकवादी थे उनको कम से कम लोग उनके सामने आ पाए, और वे जितना डैमेज करना था वो टेररिस्ट कर चुके थे, लेकिन उसके बाद जो है वो बचा हुआ सब कुछ जो है वो उन्होंने मैनेज किया। तो
सबसे बड़ी बात हॉवर्ड में ये सोचा गया, सोचिए कि वो अमेरिका में सोच रहे हैं वो लोग कि यार होटल ताज के जो लोग थे वो ऐसे कैसे लोग थे, जब इतना बड़ा अटैक हुआ, बंदूक गोली तमाम तरह की चीजें, उसके बावजूद जो है वो अपनी जान की परवाह ना करके वो अपने गेस्ट की जान को बचाने लगे हुए। अभी हाल ही में एक मूवी रिलीज होने वाला है होटल ताजमहल करके, के मुझे लगता है होटल ताजमहल एक मूवी का नाम है, आप देखिएगा यूट्यूब पे आपको ट्रेलर भी मिलेगा, आप देखिएगा वो उसी जो मैं कह रहा हूं उसी कहानी के ऊपर और उसी केस स्टडी के ऊपर बनाई गई मूवी है वो, ट्रेलर देखिएगा कम से आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। आप सबके फॉरेन की मूवी है, देव पटेल शायद उसके हीरो है, तो आप क्या तो केस स्टडी में पता लगाया गया कि ऐसा क्या था अंदर होटल ताज की ट्रेनिंग में कि होटल ताज का स्टाफ जो है वो अपनी जान की परवाह ना करके इन सबको बचाने में लगा हुआ था। तो मालूम चला कि होटल ताजमहल का रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। दरअसल होटल ताजमहल यदि आपको जॉब करना होता है तो वो कभी भी जो है टॉप के इंस्टीट्यूट जो होते हैं, जो नंबर वन नंबर टू के जो टॉप के इंस्टीट्यूट हैं वहां से वो हायरिंग नहीं करते हैं, वो उससे ठीक नीचे के लेवल के इंस्टीट्यूट से हायरिंग करते हैं। होटल मैनेजमेंट के वो इंस्टीट्यूट जो टॉप के इंस्टीट्यूट से थोड़ा नीचे के लेवल पे होते हैं, बी ग्रेड टायर में होते हैं, वहां से करते हैं। सेकंड वे मेट्रो, वो जब भी कभी भी जो है इस तरह की हायरिंग करते हैं, इस तरह के एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करते हैं, तो वो कभी भी बॉम्बे में, दिल्ली में, कलकत्ता में, यहां पर वो कैंपनी लगाते हैं, वे छोटे शहर में, जयपुर के अंदर, जबलपुर के अंदर, भोपाल के अंदर, पटना के अंदर, इलाहाबाद, मतलब जो टायर टू सिटीज हैं वहां पर वो अपना जो है वो रिक्रूटमेंट प्रोग्राम, वहां पर अपने इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं और वे कोशिश करते हैं कि वो मोस्ट ऑफ दी जो कैंडिडेट हैं वे वहां से लें जो कि टायर टू सिटीज के हो, मेट्रोपॉलिटन शहर के ना हो, ऐसा वो कोशिश करते हैं। दूसरा, उनको लेने के बाद अब ऐसा क्यों, अब आप बोलोगे सर इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे लॉजिक ये है कि मेट्रोपॉलिटन शहरों में आज हमारा जो कल्चर है वो समाज से थोड़ा सा कटा हुआ हो गया है, जैसे कि मेरे फ्लैट के आसपास कितने और फ्लैट हैं, उनमें कौन कौन रहता है, क्या होता है, तो एक आपका आमना सामना होता है, आपका हेलो हाय होता है, इसके अलावा आप नहीं जानते किसी के बारे में कुछ, अपने फ्लोर के बारे में आपको जानकारी नहीं है, आप पूरी बिल्डिंग तो छोड़ दीजिए आप, तो सोशल कनेक्शन जो है मेट्रोपॉलिटन शहरों में कम हो चुका है, लोगों के बीच में सोशल ऑब्लिगेशन की कोई जिम्मेदारी निभानी वो भावना भी कम हो गई है, लोग जो है वो उनके मन में ये कि अमेरिकी जो है वो किसी को किसी से कोई वास्ता नहीं है, मतलब नहीं है, कोई किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करता है और कोई किसी की हेल्प करने के लिए भी चार बार सोचता है, ये मेट्रोपॉलिटन शहरों का हाल हो चुका है। लेकिन तब भी आप देखेंगे कि आप जिस मोहल्ले में, किसी टाउन के अंदर किसी मोहल्ले में रहते ना, वो पूरा मोहल्ला एक दूसरे को जानता है, पूरा मोहल्ला एक साथ सेलिब्रेट करता है, पूरा मोहल्ला सुख दुख में साथ रहता है, पूरा मोहल्ला एक फैमिली के समान व्यवहार करता है, मतलब वो ताना बाना, सामाजिक ताना बाना कि हम लोगों का रिस्पेक्ट करें, लोग हमसे इंटरेक्ट करें, वो अभी भी बरकरार है। इस सामाजिक वैल्यू को जो है एक आयाम के रूप में देखा होटल ताज ने, होटल ताज ने देखा यदि हम टायर टू सिटीज के छोटे टाउन्स के बच्चों को लेके आते हैं और उनको रिक्रूट करते हैं तो उनको ये मालूम है कि वैल्यूज क्या होती है, उनको मालूम है कि हमें दूसरे के साथ में कैसे एडजस्ट करना है, एंड दे आर मोर एडजस्टिंग। मेट्रोपॉलिटन शहरों के लोग कहते हैं भाई मुझे ये अच्छा नहीं लगा है, ये अच्छा लगा है, अच्छा नहीं लगा, मैं ये नहीं करूंगा, ठीक है सर, सॉरी सर, आई कैन डू, मैं नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे आप अमेरिका जाएंगे तो अमेरिका में जो है वो आपको दो टुक किसी चीज के लिए दो टुक बना कर देगा आदमी। इनफैक्ट अमेरिका में यदि आप रेस्टोरेंट में जाके, कुछ ही रेस्टोरेंट में जाके आप यदि जो है वो नॉर्मल रेस्टोरेंट में जाके आप खाना खाते हैं तो आपको अपना टेबल खुद ही टिश्यू साफ करके साफ करना होता है, खुद ही टिश्यू साफ करना होता है, फैक्ट है। वहां पे आप छोड़ के, जैसे हमारे यहाँ पे हम हॉस्पिटलिटी होता है कि भाई आप होटल में इंटर किया, आपका बैग भी ले लिया, सब ले लिया, अंदर के आपको बकायदा रिस्पेक्ट से होटल के अंदर लगे, यूएसए में ऐसा नहीं है। तो मेट्रोपॉलिटन शहर उस तरफ बढ़ चुके हैं, अभी भी टायर टू सिटीज में वैल्यूज बहुत सारा बरकरार है। तो होटल ताज का जो स्टाफ रिक्रूट किया गया, उन्होंने ऐसे सोच के रिक्रूट किया कि भाई टायर टू सिटीज के बच्चे लेके आएंगे जो वैल्यूज को रखते होंगे। फिर उन्होंने क्या किया, जब ट्रेनिंग दिया उनका तो उन लोगों को उन्होंने जो है बकायदा इंटेंसिव ट्रेनिंग दिया और उन लोगों को उन्होंने बताया कि भाई आपको, आप यहां पर ये सोचिए कि आप हमारे नहीं, आप होटल ताज के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप गेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, ताज इज ए ग्रुप और यू आर द इंटरमीडिएट, You are the facilitator to the that guest. के आप गेस्ट के रिप्रेजेंटेटिव है, यानी ये चार कमरे आपको अलॉट किए एक व्यक्ति को, मान लीजिए एक एक, एक कैटेगर को, तो उनसे कहा गया कि ये चारों गेस्ट आपके हैं, आपको होटल ताज से क्या चाहिए आप इसके बारे में बात करेंगे, के आप ताज के एम्प्लॉय नहीं है, आप ताज के लिए जो है वो एक मीटर के रूप में काम कर रहे हैं फॉर द गेस्ट, ठीक है। उनके दिमाग में एक सर्किट बिठाया गया कि भाई आपको गेस्ट सर्वोपरि है, गेस्ट इज ऑलवेज राइट, दिमाग में रखना है आपको, ठीक है। दूसरी बात यह कि उनको बताया गया, हर वीक उनकी ट्रेनिंग ली गई कि आपको बताना है कि आपने इस वीक क्या सीखा और क्या लर्निंग थी उसे, क्या सीखा आपने और क्या नया देखा आपने, तो हर पूरा स्टाफ
पूरा ताज होटल का स्टाफ जो है हर वीक एक ट्रेनिंग होता है, हर वीक एक मीटिंग होता है, उसमें आधे घंटे एक घंटे की मीटिंग में वो बताते हैं कि हमने इस वीक क्या सीखा और क्या देखा हमें और हमें क्या करना चाहिए इसके, तो एक प्रकार से उनके मोरल को बूस्ट करने की पूरी कोशिश की गई। उनको जब वो होटल ताज के अंदर आते हैं तो उनको लगता है चूंकि वो जिस टाउन से है वहां से लगता है कि वो बेस्ट जगह पर प्लेस है उठ के, तो वे दे आर सर्विंग वेरी वेल के। तो जब होटल ताज पर अटैक हुआ ना, तो ये छोटी छोटी बातें हॉवर्ड की केस स्टडी में शामिल है। इन छोटी छोटी बातों ने जो है वो इतना गहरा असर डाला उनकी, इन छोटी छोटी बातों के कारण कई सौ लोगों की जान बच पाई। और आप कहते हैं कि छोटे शहर के बच्चे कुछ नहीं कर सकते, अच्छा छोटे शहर के बच्चों पर जो है जो टायर टू सिटीज के जो लोग थे जिनको ताज में रिक्रूट किया गया था उनके ऊपर हॉवर्ड में केस स्टडी हो चुका है, सोचिए। ठीक है, तो शहर छोटा बड़ा नहीं होता है, दरअसल हम क्या सीखते हैं, क्या देखते हैं और क्या हमारा सामाजिक ताना बाना है, इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। इसलिए कभी भी दिमाग में ये बात मत रखिएगा कि कोई बड़े शहर में रहता है तो बड़ा आगे निकल जाएगा, कोई छोटे शहर में रहता है तो उसके अवसर छोटे, नहीं, सबको बराबर अवसर है। केवल यही कि उन अवसरों के लिए आपको जो है माइग्रेट करना पड़ सकता है, आपको कहीं और जाना पड़ सकता है, लेकिन आप अपने अंदर जैसे आप यदि कभी कुछ बोलते हैं, कोई आपके वर्ड्स है उन वर्ड्स को लेके कोई बोलता अच्छा तुम यूपी से हो, अच्छा तुम बिहार से हो, तो डोंट गेट ऑफेंडेड, क्योंकि हाँ हम हैं और हम सक्षम है, इसलिए हम तुम्हारी पोजीशन बराबरी की पोजीशन पे आके खड़े हुए हैं। इसका मतलब ये कि कोई शहर छोटा कोई शहर बड़ा नहीं होता, आदमी होता है जिसके अंदर जो कैपेबिलिटी होती है वो जहां वो जो चाहे वो बन सकता है। आज आप मुंबई के अंदर आके देखेंगे, आप दिल्ली के में देखेंगे आप, तो आप पाएंगे कि मोस्ट ऑफ द ब्यूरोक्रेट जो है वो बिहार से और उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। आप पाएंगे कि मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं वो इंटीरियर हिस्से से आए हुए हैं, जो IAS अफसर बन के बैठे हुए हैं, जो पुलिस अफसर बन के बैठे हुए हैं और पूरा का पूरा शहर वो चला रहे हो, पूरा शहर रन कर चल उनके अकॉर्डिंग ही चल रहा है, पूरे शहर की मशीनरी उनके कंट्रोल में है, ये हर जगह पर है। तो याद रखिए शहर आपकी पहचान नहीं बन सकता है, कोई भी व्यक्ति आपको स्टिग्मा या पहचान तमगा नहीं लगा सकता है। आपको इतना दिमाग में रखना है आपको कि आपकी अपनी डिटर्मिनेशन, आपकी अपनी सोच और आपका अपना अपना जो है वो जुनून, वो आपको जो है आगे लेकर जाएगा। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे जितने कमांडो हैं वो चाहे कहीं से भी हो, किसी छोटे गाँव से हो, छोटे टाउन से हो, बड़े शहर से हो, उनके अंदर एक बात कॉमन होना चाहिए, वो है जुनून और उस जुनून के लिए मेहनत करने का दम। ऑल द बेस्ट।